मैंने सभी वर्गों के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आपके किसी भी दुख और पीड़ा की लड़ाई में ये संघर्ष की शुरुआत है। में हिंदू है, हमसे बड़ा साल में जानता हूं कि कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। हम दोनों वक्त पूजा करते हैं और वो जो इस बात को हिंदुत्व का घोषणा बना करके जो गप्पू आते हैं, गप्पों के पुलंदा है वो, उनके पास गप्पों के पुलंदा है। जनता बहकावे में आती है, उनका दिखावा कुछ है और जो वो दिखाते हैं वो है नहीं, और है वो दिखते नहीं। हम सुबह और शाम पूजा करते हैं, हम घोषणाओं में काम नहीं, हम घोषणाओं में नहीं, हम करके दिखाते हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है बलिदान का, कांग्रेस का इतिहास रहा है त्याग का, कांग्रेस का इतिहास रहा है करके दिखाने का। आज जितनी भी देश को कुछ दिया, जब देश आजाद हुआ तो देश को एक सुई भी नहीं मिली थी, मगर आज जो हवाई जहाज और जो तमाम दुनिया भर की दुनिया उसकी रेल और ट्रेन जो मिली, जिन्हें ये सरकार बेच रही है, वो सब कौन किसने खड़ी की? वो कांग्रेस ने खड़ी की। कांग्रेस ने जो अब तक 70 साल में बनाया है और ये उन्होंने 10 साल में बेचने का काम किया है। मेरे सम्मानित बुजुर्गों को तो कहने को बहुत सारी बात है। कांग्रेस के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की न कमी है, न कोई काम करने वालों की कमी है, न वोट की कमी है। आज आप देख रहे हैं वहाँ चुनाव हम हारे हैं, मगर वहाँ का वोट प्रतिशत जो वहाँ लोग बीजेपी जीती है उससे ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस का है। बस उसको सही संभालना है, वो संभालने का हम काम करेंगे और जिदारी के साथ उसे आगे बढ़ करके सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम। यूपी में किस तरह से आप कांग्रेस को मजबूत करने की क्या प्लान है आपका? यूपी में जो प्लान है वो अब आपको बताएंगे। अब जिम्मेदारी मिली है उसको जिदारी के साथ, कुछ प्लान गोपनीय रखे जाते हैं, मुट्ठी बंद होती है तो उसका काम और मजा आता है, और जो खुल जाती है तो जब खोलने का समय आएगा तब तो आपको खोल के बताएंगे। इसी तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे, और जो कांग्रेस पार्टी की आजादी से लेकर अब तक जो कार्य है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से देश और प्रदेश में या जनपद में अराजकता का और बहका माहौल है, जन जन के साथ में खड़ा होकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। जहाँ अन्याय होगा वहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसे कि मैं देख रहा था कि अभी जब परिक्रमा चल रही थी तो आपने बहुत ही सेवा भाव का काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे हमको लोगों के बीच में, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है, नेता क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, नेता तो आते हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमें जन जन के बीच में जाना है और किसी को छोटा भाई किसी को बड़ा भाई मानकर उनका मार्गदर्शन लेकर आशीर्वाद लेकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को इस हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपने अभी मंच पर देखा जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ हैं और जो इस मंच पर नहीं है वो कांग्रेसी है ही नहीं। आपने देखा कोई गुट नहीं है, गुट है तो केवल एक कांग्रेस पार्टी है। को लेकर अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता को साथ में लेकर उनकी चूलों को हिलाने का काम करेंगे। जिस तरीके से एक आम आदमी आज देख रहे हैं आप, शासन प्रशासन में जाता है कैसी दर दर की ठोकर खाने का काम करता है और उसको प्रशासनिक अफसर उसको धुतकार कर भगा देती है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके गले में हाथ डालकर हंसकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप धनगर हैं, पिछले एक महीने से धनगर समाज कचहरी पर धरना दे रहा है। अभी मैंने बोला ना, ये सरकार आपने देखा, अभी बोला मैंने, ये सरकार अन्यायकारी सरकार है। जब इस देश में लोकतंत्र में ये सरकार विश्वास नहीं करती, आपने देखा जब कांग्रेस पार्टी के जमाने में या अब तक जो भी कोई धरना प्रदर्शन किया करता था उनके बीच में शासन और प्रशासनिक अफसर जाकर उनका हालचाल पूछने का काम करते थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन शासन के और प्रशासनिक अफसरों ने और इस भाजपा सरकार ने, क्योंकि सरकार के इशारे पर शासन के अधिकारी चलते हैं, प्रशासन के अधिकारी चलते हैं, लेकिन अभी जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि अभी तक उस धरने पर कोई नहीं पहुंचा, जब मैं उसमें स्वयं मौजूद था, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आती हैं तो सारे अफसर हमारे पास आने का काम करते हैं और समाज के जो हमारे अगुआ हैं सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनको धमकाने और डराने का काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मुकेश धनगर उनके बीच में जाता है और कहता है धरना हटेगा नहीं, आप जेल में डाल दीजिए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन ये धरना हटेगा नहीं। आपने देखा वो धरना हमने स्थगित भी नहीं किया,
चाहे उन्होंने कितने भी प्रयास किए, हमारा धरना यथावत चल रहा है। और आने वाले समय में समूचे, अभी तो मथुरा में चल रहा है, इटावा में चल रहा है, एटा में चल रहा है, बहराइच में चल रहा है, फिरोजाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में धनगर समाज इस भारतीय जनता पार्टी की चूलों को हलाने का काम करेगा और इसका आने वाले 2024 में वोट का बहिष्कार करेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो भी इसके खिलाफ बोलता है वह मुझे कहना नहीं चाहिए इस मंच के माध्यम से, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई और तमाम उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको डराने और धमकाने का काम भी सरकार करती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।